नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन अंचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बसपा मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बोली, कांग्रेस का दलित प्रेम महज छलावा है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा नाम इमरान मसूद को पार्टी में शामिल किया है। इसके बाद से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के तेवर कांग्रेस पर और तीखे होते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस को छलावा करने वाली पार्टी बताया है। मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने कांग्रेस के दलित प्रेम तो महज छलावा बताया है। कांग्रेस के दलित नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का और ब्रजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के बाद से मायावती के तेवर अधिक तीखे हैं। आगे बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दलित प्रेम महज छलावा है। इस पार्टी को अच्छे दिनों में दलितों की याद नहीं आती, केवल बुरे वक्त में ही इन्हें बलि का बकरा बनाती है। मायावती ने इसे छलावा व छल पार्टी बताते हुए प्रश्न किया, क्या कांग्रेस यही दलित प्रेम है? मायावती ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं, अपने इशारों पर नचाते हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांश गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा व छल राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? बसपा ने इससे पहले भी कांग्रेस को जोरदार झटका दिया था। कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े रहे इमरान मसूद बसपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को छोड़ समाजवादी पार्टी में गए मसूद अब बसपा में शामिल हुए। तभी से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है, सब घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।